उसके नाखून की हालत देखिए, ये साइज है। अभी इसको निकालना है। तो इसका पैर के ऊपर अर्टिगा का टायर गिर गया था ये, तो ये ऊपर वाला जो है पुराना नाखून है। बापरे, खतरनाक हालत है। एक्चुअली बहुत पेन हो रहा था उसी उसके लिए, नीचे से नया नाखून निकला, पुराना वाला ऊपर रह गया। ये फाइनली खोद खोद के निकाला इसने आज इसको, उखाड़ के। और उसके नाखून के शेप है बड़े डेंजर टाइप के, जैसे नॉर्मल निकलता है ना। दिखाओ दूसरा, ये देखो, ये ऐसा है, आधे चमड़े के अंदर घुस जाता है। शांति, फाइनली पेन हो रहा है अभी? नहीं, देखो कैसा हाल है, निकल रही है, नहीं ब्लड नहीं है। सेक्रेटेरिएट के सामने ये जगह है, शो बेरी बाइट ऑफ हेवन। दिखा तेरा वॉलनट ब्राउनी। तो ये है स्ट्रॉबेरी के ऊपर मिल्क चॉकलेट। मस्त है, क्या बात है। इसका है स्ट्रॉबेरी विद डार्क चॉकलेट। बताओ, फीडबैक दो। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और दुआ करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। काफ़ी दिन हो गया है कि वीडियो नहीं बना पाए हैं, और उसका मेन कारण है कि काफ़ी बिजी सा शेड्यूल चल रहा है फिलहाल, एंड इसीलिए हम लोग ब्लॉगिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, वी आर बैक अगेन, कुछ नए नए चीज़ों को कोशिश करते हुए फिर से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया एंगल है वीडियो बनाने का। अब मैं क्या करूं, मैं अकेले हूं, पकड़ के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हैदराबाद की ट्रैफिक तो भाई मत ही पूछिए, कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं अभी इसीलिए अकेले घूम रहा हूं क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया है एक मुशायरे के लिए। अब ये मुशायरा होता क्या है मुझे आइडिया नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है। तो हमारे एक मित्र हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया है कि आइए देख के जाइए, कोई खास उनके मेहमान हैं जिनको उन्होंने बुलाया है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब कैसा होता है मुशायरा। मैंने तो अभी आज तक कभी नहीं, अमीरे शहर तेरी हमसे बेरुखी कब तक, हमारी आंखों में देखेगा तू नमी कब तक, हमारी आंखों में देखेगा तू नमी कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि नाम सब से इजाजत चाहते। और तलखी ना गुफ्तार में आई होती, इस कदर तलखी ना गुफ्तार में आई होती, आपने बच्चों को उर्दू जो पढ़ाई होती। एक बार अच्छा लगे तो हौसला बढ़ाते मुझे मानकर। तो आज है वीकेंड और बहुत दिन के बाद आज हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे क्योंकि व्यूज़ भी नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे। फिर चलो कुछ नहीं, हमारा मेमोरी तो रहेगा, बल्कि हम फिर से आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है वीकेंड और हम जा रहे ऊपर, हमारे एक फ्रेंड, न्यू फ्रेंड है, उनके साथ हम लोग आज थोड़ा मस्ती करेंगे,
और कुछ कुछ गाना गाएंगे, गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तो चलो मिलते हैं, आप लोग को भी मिलाते हैं हमारा न्यू फ्रेंड्स के साथ। कल शाम को तो बहुत मज़ा आया, गाना वाना गा के काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका नाम तो हमने आपको नहीं बताया है, तो द जेंटलमैन हिज नेम इज़ अरुणब एंड उनकी वाइफ है राया। सो दे आर एक्चुअली फ्रॉम द बंगालीज, तो एक तरह से अच्छा हो गया हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे कोई बंगाली फैमिली है नहीं। एंड मतलब अभी कैसा होता है सिटी में सारे अकेले अकेले घूमते रहते हैं हम लोग, तो चलिए। और मैं बंगाली बहुत अच्छा से जानता हूँ क्योंकि मेरी दादी बंगाली हुआ करती थी, तो घर में बंगाली हो रही है, हम लोग दोनों ही काफ़ी साफ बोलते हैं। मैं तो काफ़ी अच्छे से बोलता हूँ, नीता समझ जाती है बंगाली लेकिन बोल नहीं पाती है। तो इट वॉज अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा। एंड दे सिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। राया कुक्स वंडरफुल, कल उसने वो चिकन का एक ना मतलब वो ब्रेड चॉप बनाया था, चिकन फिलिंग, चिकन चीज़ फिलिंग, दैट वॉज सुपर। सो फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। अभी शाम को बजे 5:30, आज एक्चुअली सुबह 4 बजे जाना पड़ा था, बाबू का एक लैपटॉप आने वाला था वो पिकअप करना था, सो उसके लिए काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा था। आई एम स्टिल वेरी ड्राउजी, काफ़ी नींद आ रही है। एंड ऐसे टेरेस में भी बैठा हूँ, थोड़ा सा चिल मार रहा हूँ, थोड़ा सा उड़ा आता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये पड़ा हुआ है ऐसे, तो बीच बीच में मैकेनिकल चीज़ें तो उड़ते रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा उड़ाते हैं, आजू बाजू के नज़ारे भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पीछे घर का कलर तो देखिए, क्या जोकर वाला गजब ही दिख रहा है भाई इसका रंग। एंड सारे बिल्डिंग्स का कलर देखिए पीछे, ये अनोखा दिख रहा है। क्या सोच समझ के कलर कॉम्बिनेशन डालते हैं पता नहीं, मतलब आप देख लीजिए, और अभी वीडियो में भी देख लीजिएगा आप कि कलर्स कैसे हैं। एंड वो पीछे वहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है तो अलग से धूल ज़बरदस्त है। एंड सनसेट होने पर है तो ठीक है, थोड़ा सा टेरेस पे बैठ के चिल मार रहा हूँ। इन भाई साहब को भी थोड़ा उड़ाता हूँ, चलो आपको भी आजू बाजू के नज़ारे थोड़े दिखा देते हैं। आ, 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 क्या पता नहीं सडनली इसको क्या होना शुरू हो गया है।
ये नहीं होती है कभी ऐसा, मुंह उसका लाल हो गया है। कुकु आ मामा आ, चलो चलो चलो। देखो उसका ये वाला पोर्शन लाल हो गया, अभी पता नहीं क्या खाई है क्या की है, खुजली उसको हो रहा है अभी पूरा। ये नीचे वाला मुंह उसका लाल नहीं होता है। आ, क्या? इसको हो गया जबरदस्त वाला एलर्जी। चलो चलो देखो पूरा मुंह फूल गया उसका। अब सडनली पता नहीं खीरा खाती है, अभी तक तो दिन में कुछ खाई नहीं है, अभी पूरा एक खीरा खाई और देखो मुंह कैसा उसका हो गया, पूरा भर गया पूरा उसका सर के ऊपर। थोड़ा कम हुआ, अभी दो इंजेक्शन पड़े हैं इसको। खाना बिल्कुल नहीं खाई है, तो एक खीरा दिया मैंने इसको काट के, उससे नहीं हुआ। वहाँ पे ना नीचे चींटियाँ घूम रही थी, तो एक दो चींटियाँ उसके पैर पे चढ़ी, पता नहीं उसी से हुआ उसको शायद रिएक्शन। और डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कोई चींटी वीटी या फिर कोई कीड़ा था क्या, तो मैंने बताया कि चींटी तो था, तो ये महीने में दो दो बार हॉस्पिटल हो गया था, दो राउंड हॉस्पिटल घुमा चुकी है उनको। भाई ये देखो कुकू, अभी तो बेटर दिख रहा है इसका मुंह। ये देखिए अभी भी स्वेलिंग है, उसने बोला कि 45, ये वाला पोर्शन देखिए कैसा फूला हुआ है, तो डॉक्टर ने बताया कि 45 मिनट्स तो लगेगा वो रिएक्शन मतलब उसका कम होने में, बट विद इन 10 मिनट्स शी इज़ बेटर नाउ। इसकी अलग से हालत ख़राब हो गई थी।